ओम शांति। सबसे पहले मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा कि WHO की एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है कि ताली बजाने से हार्ट अटैक नहीं होता है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। कहते हैं कि चाइना में कहावत है, चाइना में कहावत है, यदि आप श्रेष्ठ कर्म करोगे तो आपका अगला जन्म भारत में होगा। कितने महान हैं हम भारतवासी जो हमारा जन्म भारत में हुआ, और भारत में भी आप इतने महान हैं। भारत कहा जाता है किसानों का देश, 70% हमारे देश की जो कुल संख्या है उसका 70% लोग किसान हैं, 70% लोग गांव में बसते हैं, और आप बहुत धनी हैं, बहुत भाग्यवान आत्मा हैं। यहां आने के लिए एक बहुत ऊंचे भाग्य की आवश्यकता होती है। जो 70% किसान है उसमें भी आप कोटों में कोई आत्माएं हैं जो परमात्मा के घर में आपने, परमात्मा ने आपको चुना है, इसलिए आप अपने लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। वैसे तो बहुत सारे किसान हैं पर आप आध्यात्मिक किसान है निश्चित तौर पर, इसलिए परमात्मा के आप घर में आए। आज आपने देखा होगा यूं तो आदमी के पास सब कुछ है, सुख सुविधाओं के लिए आप देखेंगे सब कुछ है, टीवी सेट, सोफा सेट, डायमंड सेट, टी सेट, बट उसका माइंड अपसेट है, बाकी सब सेट है। उसका भी जो उसका दिमाग है एक विश्वविद्यालय बन चुका है विचारों का, जिसमें अंतहीन महाभारत चलता रहता है, दिन रात महाभारत चल रहा है, दिन रात टेंशन है, डिप्रेशन है, माइग्रेन है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि ए से लेकर जेड तक जो जो नेगेटिव थॉट होते हैं उसमें कौन कौन से नेगेटिव थॉट से कौन कौन सी बीमारी होती है। ए फॉर एंगर, यदि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एंगर करता है, क्रोध करता है, उसको कैंसर की बीमारी होती है। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है उसको अल्सर की बीमारी होती है। एक एक नेगेटिव थॉट से एक एक बीमारी होती है। तो हमें आज के आपने हमारे पूर्व वक्ताओं ने और हमारे जितने भी सेशन पूर्व में चले उसमें यही आपको निश्चित तौर पर लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि आपको पॉजिटिव रहना है, माइंड के ऊपर बात की गई। तो आज हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे माइंड पावर काम करती है। सबसे पहले आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आप बहुत देर से सुन रहे हैं, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक बहुत जबरदस्त हम टेक्निक यूज करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी अपने घर में रोज सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, यस और नो? आवाज आना चाहिए। ओके, तो आज हम इनर क्लीनिंग करेंगे, अपने अंदर में क्लीनिंग करेंगे। तो कैसे क्लीनिंग करेंगे? जो हम सोचते हैं वही होता है, जो मन सोचता है वो हमारा शरीर करता है। जैसे कि आपको मैं एक प्रैक्टिकल बताऊंगा, आप बार बार सोचेंगे कि जीभ में, आप नींबू के बारे में सोचेंगे, मैं एक प्रैक्टिकल आपको बताता हूं। सभी आंख बंद कर लीजिए, जस्ट क्लोज योर आईज, आवाज बंद, आंख बंद करेंगे, गहरी लंबी सांस लें, और जैसे ही मैं 5 to 1 काउंट करूंगा बुद्धि के द्वारा अपने घर में जाएंगे, बुद्धि के द्वारा 5 4 3 2 1 विजुलाइज, आप अपने घर में हैं। घर में देखिए आप कि आप अपने रसोई घर में गए, रसोई घर में आपने कुछ नींबू को अपने हाथ में लिया, नींबू को हाथ में लेकर नींबू को काटिए और उसके जीभ, उसको अपने जीभ पर निचोड़िए, देखिए उसका खट्टा रस आपके जीभ पर टपक रहा है, विजुलाइज करिए उसका खट्टा रस आपके जीभ पर टपक रहा है, नींबू के खट्टे रस को अपने जीभ पर अनुभव करिए, विजुलाइज करिए नींबू का खट्टा रस आपके जीभ पर टपक रहा है, देखिए जीभ में सलाइवा क्रिएट हो रहा है, लार क्रिएट हो रही है, पानी आ रहा है, विजुलाइज करिए आपकी जीभ में पानी आ रहा है। जैसे ही मैं 5 से 1 काउंट करूंगा आप यहां आ जाएंगे, 5 4 3 2 1 ओपन योर आइज, किस किस के जीभ में पानी आया, रेज योर हैंड, सबके जीभ में पानी आया, आप तो यहां है, पानी कैसे आ गया, हाउ इट इज पॉसिबल? जो हम सोचते हैं वही होता है। इसलिए इतना सारा प्रैक्टिकल आपको, जो भी थ्योरी बताई गई उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे, कैसे पॉसिबल है, माइंड के अंदर इतनी जबरदस्त पावर है, जो हम सोचेंगे वही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे अंदर आप सोचिए कि हम एक बॉक्स हैं और हमारे अंदर बहुत सारा जो नेगेटिव समाचार के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा जो कचरा भरा हुआ है। एक रिपोर्ट आई कि जब बच्चा पैदा होता है तब से 16 साल की उम्र तक इतने नेगेटिव सीन, इतने अभद्र, इतने गलत सीन देख लेता है कि 36 घंटे की DVD फुल हो जाएगी, इतने नेगेटिव सीन को देख लेता है। 50,000 बार वो मर्डर के सीन देख लेता है टेलीविजन में, 50,000 बार वो अभद्र सीन देख लेता है, इतने चीज वो देखेगा तो उसकी मेमोरी का क्या हाल होगा। तो हमें क्या करना है, बच्चों को जब इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो पॉजिटिव दिया जाए, नेगेटिव
नहीं देना है, सिर्फ पॉजिटिव देना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट चले गए हैं, उसको बाहर निकालेंगे। या तो हम फिजिकली रूप में निकालते हैं, या तो हम मेंटली मेडिटेशन से तो करते हैं, पर हम फिजिकली करेंगे क्योंकि हम बहुत देर से बैठे हैं। ओके, तो आप क्या करेंगे, सभी हाथों को ऊपर कर लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर करें। ओके, अब एक यहां पर सॉन्ग प्ले होगा। आपको क्या करना है, 5 बार में अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को थ्रो करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 करके बताइए एक बार, 1 2 3 4 5। अपने अंदर का कचरा जो नेगेटिव है, वो नेगेटिव थॉट को बाहर फेंकना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम खुद से बाहर फेंकेंगे, फिर इस हॉल से बाहर फेंकेंगे, फिर सिरोही डिस्ट्रिक्ट से बाहर फेंकेंगे, फिर राजस्थान से बाहर, फिर इंडिया से बाहर और पूरे विश्व से बाहर। ठीक है, और जो स्लो करेगा, बाजू वाले की नेगेटिविटी, बाजू वाले की नकारात्मकता उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसलिए संभल के फास्ट करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं म्यूजिक के साथ में। दोनों हाथों को ऊपर कर लें, साउंड लाउड लाउड साउंड, 1 2 3 4 5 फटाफट करिए, फास्ट फास्ट करिए, फास्ट फेंकते जाइए, आंख बंद करके करें, एक एक नेगेटिव थॉट को फेंकते जाए बाहर। परमात्मा का ये घर है, सब कुछ परमात्मा स्वीकार कर लेंगे, सारी नेगेटिविटी यहीं छोड़कर जाना है। फास्ट फेंकिए, साउंड तेज, फास्ट फेंकिए, फास्ट जल्दी जल्दी करिए भाई साहब, बाजू वाले की नेगेटिविटी आ जाएगी, फटा करो, फास्ट फास्ट। अब इस अपने अंदर से बाहर फेंकना, जोर लगा के, इस हॉल से फेंकना है, अभी इस हॉल से, फाइव। अब पूरे आबू रोड से बाहर फेंकना है, जोर लगा के, फाइव। अब पूरे राजस्थान से फेंकना, जोर लगा के। अब भाई साहब आप आएंगे, आप कैसे फेंक रहे हैं, एक मिनट आइए, आइए आइए आइए, फाइव, फास्ट फास्ट, फाइव भाई, एक बार फेंक कर बताइए कैसे फेंकते हैं, हाँ कैसे फेंकते हैं, हाँ ऐसा फेंकना है, जोर लगा के, बहुत। आप पूरे इंडिया से बाहर फेंकना है, अब पूरे विश्व से बाहर फेंकना है, फेंकते जाइए, फेंकते जाइए, गेट नंबर एक से गेट नंबर दो से बाहर होना चाहिए पूरा, पूरी एनर्जी बाहर। दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए, और आप विजुलाइज करिए सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मकता, नेगेटिव थॉट मुझ आत्मा के अंतःकरण से दूर हो चुके हैं। मैं एक महान आत्मा हूं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज कहते हैं भारत की 70% जनता गांव में बसती है। आप जैसे कि चित्र में देख रहे हैं, 70% जनता गांव में बसती है। पर एक बहुत दुख की बात है, आज जो मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, आज हम मोबाइल के बगैर जी सकते हैं, मोबाइल के बगैर जी सकते हैं, पर मोबाइल बनाने वाली कंपनी दिनों दिन अमीर होते जा रही है। आज हम टीवी के बगैर जी सकते हैं, पर टेलीविजन बनाने वाली कंपनी दिनों दिन अमीर होते जा रही है। आज हम कार के बगैर भी जी सकते हैं, कार बनाने वाली कंपनी दिनों दिन अमीर होते जा रही है, बट हम अन्न के बगैर नहीं जी सकते, खाने के बगैर नहीं जी सकते, पर खाने बनाने वाला जो किसान है, उसको पैदा करने वाला किसान, वो दिनों दिन गरीब होते जा रहा है। ये बहुत सोचने वाली बात है। इसलिए कहते हैं कि आदमी वही करता है जो वो चाहता है, आदमी वही करता है जो वो चाहता है, पर होता वही है जो वो चाहता है। इसलिए कर वो जो वो चाहता है, होगा वही जो तू चाहता है। तो हमें अब वो करना है जो परमात्मा चाहते हैं। ये गरीबी क्यों आई, सबसे पहले हमारी माइंड की जो गरीबी है, इसके कारण हमारे शरीर में गरीबी आई। एक बहुत अच्छी बात मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा। कहते हैं हनुमान जी जब अपनी शक्तियों को भूल गए थे, तो किन्होंने याद दिलाया था, किन्होंने याद दिलाया था, जामवंत जी ने। तो मैं कहूंगा आप सभी हनुमान के समान शक्तिशाली हैं, आप सभी तेजस्वी हैं, आप सभी
महान है, बट आप अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। इसलिए परमात्मा ने आपको अभी अपने घर में बुलाया है और अपनी आपकी शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। तो आप निश्चित तौर पर आप बहुत महान हैं। एक बार कहते हैं देवताओं की मीटिंग हुई और देवताओं की मीटिंग में ये सेट किया गया, कि यदि मनुष्य को पता चल जाए उसके पास अनलिमिटेड पावर है तो मनुष्य हमें कंट्रोल करने लगेगा। कुछ देवता कहते हैं ऐसा करते हैं कि मनुष्य की शक्तियों को आकाश में छुपा देते हैं, कुछ कहते हैं मनुष्य की शक्तियों को पाताल में छुपा देते हैं। एक इंटेलिजेंट देवता कहता है मनुष्य आकाश में भी जाएगा पाताल में भी जाएगा, ऐसा करते हैं माइनिंग में गुफा में छुपा देते हैं। पर एक इंटेलिजेंट देवता था जो कहता है ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा और गुफा में भी जाएगा, बट मनुष्य खुद के अंदर कभी नहीं जाएगा, इसलिए सारी शक्ति उसके अंदर डालो। तो परमात्मा ने सारी शक्ति कहां डाल दी है? कहां डाली है? हमारे अंदर डाली। और हम कहां जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। तो आप प्रैक्टिकल में हमें आपके सामने एक डेमो प्रेजेंट करेंगे, कैसे हमारे अंदर कितनी शक्ति है, एक डेमो प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। ठीक है, तो कोई भी भाई आ जाइए, आप आइए भाई साहब, आइए कोई भी भाई आ जाइए, जो पहली बार आए हैं, हाँ आप आइए, आइए, ओके। और चार भाई कोई आ जाइए, ओके। एक यहां पर डेमो करेंगे, भाई साहब आ तो गए हैं, अभी क्या करना है सुनिए, इनको एक उंगली से हवा में उठाना है, एक उंगली से हवा में उठाना, ऐसी उंगलियां लगेंगी, तो जो दो उंगली मिलाकर इनको उठाना है, ठीक है, दो उंगलियां, ठीक है, एक मिनट, आप आ जाइए, चार लोग, सर इनको इधर लगाइए, एक इधर लगाइए, आप इधर लगाइए, उठा के देखिए, लगाइए, आप इधर लगाइए, लगाइए, थोड़ा वजन लग रहा है, कितना वजन लग रहा है आपका सर? वजन कितना है? 65 केजी। उठा नहीं पा रहे हैं, ओके साइड हो जाइए, आइए अभी हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल करेंगे, ओके साइड में आ जाइए, साइड में आ जाइए, अभी हम एक प्रैक्टिकल करेंगे माइंड पावर के ऊपर में। अभी हम कहते हैं सर को कि सर आप अपने आप को तितली समझिए, यू आर लाइक अ बटरफ्लाई, ठीक है, ओके, और आप सभी ऐसा थॉट दीजिए कि ये सर तितली के समान हल्के हैं, ओके। अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं, ओके, बाकी सब बैठ साइड आ जाइए, साइड साइड में, साइड, ओके, अभी हम क्या करेंगे, सर का वेट थोड़ा सा पीछे, हम सर का जो वेट है अपने माइंड से निकालकर बाहर फेंकेंगे और परमात्मा की एनर्जी लेंगे और फिर इनको उठाएंगे, आप प्रैक्टिकल में देखेंगे। सर आपको कितना वेट लगा जब आप आपको उठा रहे थे? मेरे को बिल्कुल वेट नहीं लगा। आपको वजन लग रहा था इनका? आपको कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बैठ सकते, ओके थैंक यू। सो ये जो प्रैक्टिकल में आपने देखा, इनको मैंने कहा कि आप बटरफ्लाई समझिए अपने आप को, आप तितली हैं, और हमने क्या किया, इनका वजन निकालकर फेंका और आप देखिए गुलदस्ता जैसे इनको हमने उठा लिया। ये प्रैक्टिकल है, आज पूरी दुनिया माइंड के ऊपर डिपेंड है। माइंड के ऊपर कैसे डिपेंड है, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के द्वारा समझाऊंगा। आज पूरी दुनिया एम वर्ल्ड के ऊपर डिपेंड है, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल। आज मैन के लिए कॉलेज है, मशीन के लिए कॉलेज है, मटेरियल के लिए कॉलेज है, इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज है, वकील बनने के लिए कॉलेज है, डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज, बट इंसान को इंसान बनाने वाला कोई कॉलेज है?
इंसान को इंसान बनाने वाला कॉलेज है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। इस विद्यालय के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। कहते हैं मन जीते जगत जीत। यदि आप अपने माइंड को डेवलप कर लेंगे तो आप अपने आप चहुमुखी विकास कर सकते हैं, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी बन सकते हैं। तो सबकी जो धुरी है, सबका जो बेस है वो है माइंड। यदि हम अपने माइंड को डेवलप कर लें तो सब कुछ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि हम अपने आज मोबाइल को चार्ज करते हैं, सब अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, रेज योर हैंड, करते हैं। भोजन सभी करते हैं, रेज योर हैंड, करते हैं। ओके, गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं, भरते हैं। बट क्या आप अपने माइंड को चार्ज करते हैं? माइंड को चार्ज करते हैं? कई कहते हैं हम सोते हैं तो माइंड चार्ज होता है। वो माइंड चार्ज नहीं होता है, वो बॉडी चार्ज होती है। माइंड तो सपने देखते रहता है, ठीक है ना। तो हम अपने माइंड को कैसे चार्ज करेंगे? निश्चित तौर पर आप समझ ही गए होंगे, माइंड को चार्ज करने के लिए जो टेक्निक है वो है मेडिटेशन। विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन हम अपने माइंड को चार्ज कर सकते हैं। मेडिटेशन एक ऐसी पावरफुल शक्ति है, पावरफुल टेक्निक है, हम अपने माइंड को चार्ज कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उससे आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि कैसे मेडिटेशन काम करता है। एक बार क्या होता है, एक लकड़हारा रहता है और एक बिजनेसमैन रहता है। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि लकड़ियां काटनी है। पहले दिन लकड़हारा 1 घंटे मेहनत करता है और 50 लकड़ी काटता है। 1 घंटे में कितनी लकड़ी काटा? मेरे तरफ देखते जाइए, कितने लकड़ी काटा? 50 लकड़ी काटा। दूसरे दिन 8 घंटे मेहनत करता है, 10 लकड़ी काटता है। तीसरे दिन 20 घंटे मेहनत करता है, 3 लकड़ी काटता है। और चौथे दिन दिन भर मेहनत करता है, 1 भी लकड़ी नहीं काट पाता। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण क्या हुआ? कुल्हाड़ी की धार, उसने पहले दिन जितनी मेहनत की उससे 4 टाइम, वो लकड़हारा बिजनेसमैन के पास जाता है और कहता है मैंने जितनी मेहनत पहले दिन की थी उससे 4 टाइम मेहनत की, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है। तो बिजनेसमैन कहता है क्या आपने कुल्हाड़ी की धार को तेज किया? तो लकड़हारा कहता है मेरे पास लकड़ी काटने का टाइम है पर कुल्हाड़ी की धार को तेज करने का टाइम नहीं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? बोलिए, मूर्ख कहा जाएगा। हम कहते हैं कि आप मेडिटेशन कर लीजिए, अपनी मन रूपी शक्ति को, अपनी मन रूपी कुल्हाड़ी को तेज कर लीजिए, फिर कोई भी समस्या रूपी लकड़ी काट सकते हैं, जीवन की कोई भी समस्या का हल कर सकते हैं। पर लोग ऐसा ना करें तो उसको क्या कहा जाएगा? बट आप बहुत महान हैं जो आपका यहां पर आना हुआ। निश्चित तौर पर आप बहुत धनी भाग्य के धनी आत्मा हैं और आप सीखेंगे कि कैसे मेडिटेशन से अपनी मन रूपी कुल्हाड़ी को तेज करना है। ना केवल हमारी मन रूपी कुल्हाड़ी से मन की शक्ति तेज होती है, बट जीवन के हर प्रकार की समस्याओं को हम जीत पाते हैं। एक क्लिप से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, आप क्लिप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सभी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। जैसे कि हमारा विषय है आंतरिक शक्तियों द्वारा कैसे हम अपने जीवन में अपने पावर को एक्टिवेट करें, ग्रामीण जीवन में कैसे हम अपनी शक्तियों को जागृत करें। तो मैं जो भी बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, उस चीज को आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। राजयोग का जो मेडिटेशन है, हर चीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा, सभी अलर्ट बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, स्ट्रेट योर स्पाइनल कॉर्ड। सभी एक बार मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, सभी मुस्कुराइए। हंसना नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉफिंग एंड स्माइलिंग, ठीक है। हंसना नहीं है, मुस्कुराना है। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। अब मुस्कुराते मुस्कुराते कोई नेगेटिव थॉट सोचकर बताइए, कोई टेंशन की बात, खेती की बात, समस्या की बात, घर की, परिवार की, कोई भी बात सोचकर बताइए। मुस्कुराते रहिए, पहले मुस्कुराइए, टेंशन की बात सोचकर बताइए, ये फसल कम हो गई या कुछ भी हो गया, पहले मुस्कुराइए। कंडीशन फर्स्ट, पहले मुस्कुराना है। किसी के मन में नेगेटिव थॉट आ रहा है? मुस्कुराते हुए किसी के मन में नेगेटिव थॉट आ रहा है? आ ही नहीं सकता। जब आप मुस्कुराते हैं तो 50% डिजीज से बच जाते हैं। कितने परसेंट? 50%। दो आपके पास चॉइस है, या तो आप मुस्कुराइए या तो 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस करवा लीजिए। क्या करेंगे? क्यों हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है? कहा जाता है जितने भी बीमारियां होती नेगेटिव थॉट से होती है, ठीक है। यदि हम मुस्कुराएंगे नहीं, नेगेटिव थॉट आएगा, निश्चित तौर पर हमारे जीवन में बीमारी आएंगी। और हम मुस्कुराएंगे, परमात्मा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जब आप मुस्कुराते हैं तो एक सुरक्षा कवर, सुरक्षा कवच आपके चारों ओर बन जाता है, नेगेटिविटी टच भी नहीं कर पाएगी। आ रहा है? आपने प्रैक्टिकल में देखा, किसी को आया नेगेटिव थॉट? किसी को आया?
नहीं आ सकता। जब आप मुस्कुराते हैं तो नेगेटिव थॉट नहीं आ सकता। तो आज से क्या करेंगे, अच्छा भाई साहब आप मुस्कुरा रहे हैं तो आपको देखकर मैं मुस्कुराऊंगा नहीं मुस्कुराऊंगा। तो जैसे कि हमारे एक भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि 7 बिलियन जो प्रोग्राम चलाते हैं, उन्होंने कहा कि हर एक को मुस्कुराहट फैलाना है चारों ओर। तो आप भी क्या करेंगे, कहीं भी किसी को भी मिले तो आप मुस्कुराइए, आपको देखकर वो मुस्कुराएगा, तो आपको दुआएं मिलेंगी, बददुआ मिलेगी, दुआएं मिलेगी निश्चित तौर पर। वो तीसरा व्यक्ति के पास जाएगी और वो सब दुआएं आपके जीवन में आएगी, अपने आप जीवन का प्रोग्रेस होगी। अच्छा एक और बात, आपने आज तो ये टेक्निक सीख ली, अभी इसमें एंगर किस किस को आता है? एंगर, क्रोध, गुस्सा। भगवान के घर में झूठ बोलना नहीं है, ठीक है, हाथ उठाना है, हाँ उठाइए उठाइए। अच्छा ओके, पर मैं आपको आज गारंटी देता हूं कि इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, आपको जानबूझ आप चाहेंगे भी तो गुस्सा नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल है, हजारों लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है जिनके प्रैक्टिकल जीवन में यह अनुभव है कि गुस्सा नहीं आता है। अब आपको गुस्सा नहीं आएगा, एक क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है, आप ध्यान से इस क्लिप को देखिएगा। डॉक्टर ने एक बहुत बड़ी रिसर्च की, एक व्यक्ति को क्या किया गया, स्क्रीन, एक व्यक्ति को क्या किया गया, डॉक्टर ने अपने हवाले में लिया और उसके अंदर एक एंटोस्कोपिक कैमरा डाला, एंटोस्कोपिक कैमरा डाला और उसको जबरदस्ती क्रोध दिलाया गया और उसको कहा गया कि आपके ऊपर रिसर्च हो रही। तो उसने जैसे क्रोध करना शुरू किया तो उसके गले से खून निकलना शुरू हुआ। आप स्क्रीन पर देखेंगे, आप देख रहे हैं यहां पर खून निकल रहा है, इस पोर्शन में देखिए गले से खून निकल रहा है। जैसे ही व्यक्ति एंगर कर रहा है और इसके गले से ऐसा बुगस से खून निकल रहा है, आहार नलिका से खून निकल रहा है और वो जा रहा है इंटेस्टाइन में, पैंक्रियास में और आगे चलकर उस कैंसर ने एक भयावह रूप ले लिया, उस एंगर ने भयावह रूप ले लिया, कैंसर हो गया उस व्यक्ति को। डॉक्टर को कहता है मैंने आज तक कभी ना बीड़ी पिया, ना सिगरेट पिया, किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं किया, मुझे कैंसर कैसे हो गया? तो डॉक्टर ने कहा यही तो रिसर्च है, आपने बहुत ज्यादा एंगर किया जिसके कारण आपको कैंसर हुआ। तो आप बताइए एंगर का कितना दुष्परिणाम है। आप फिर से इस क्लिप को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, आप देख रहे हैं यहां से खून निकल रहा है और खून जा रहा है, एक कैमरा देखिए आप, छंडनुमा एक कैमरा है, उसके पैंक्रियास में डाला गया, सॉरी उसके आहार नलिका में डाला गया और वहां से वो वीडियो पूरा डिस्प्ले हो रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद कौन एंगर करना चाहेगा? अब एक ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। एक बार क्या हुआ, मैं अक्सर पूरे इंडिया में प्रोग्राम ब्रह्मा कुमारी इसके तरफ से हम प्रोग्राम करते रहते हैं, तो एक जगह हम एक स्कूल में प्रोग्राम कर रहे थे। तो स्कूल में क्या था, एक बच्ची थी, अक्सर वो बहुत क्रोध करती थी, मैडम को समझाती थी वो मैडम को तुरंत रिएक्ट करती थी, मैडम ने कुछ कहा वो तुरंत रिएक्ट करना, इरिटेट होना। तो एक बार क्या हुआ, मैडम उस बच्ची ने बहुत अच्छे से हमारा प्रोग्राम देखा था, उसको समझ में आ गया कि एंगर करने से खून निकलता है और आगे चलकर डेथ हो जाती है, राम राम सत्य हो जाता है, तो मुझे एंगर नहीं करना है। मैडम एंगर कर रही थी एक बार, ठीक है ना, मैडम एंगर कर रही है कि बच्चे होमवर्क करके नहीं लाया आपने, ये करके नहीं लाया, वो करके नहीं लाया, मैं आपको स्कूल से बाहर निकाल दूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। और बच्ची कुछ नहीं कर रही, मैडम के गले की तरफ देख रही है, मैडम के गले की तरफ देख रही है, ऊपर से देख रही है, आगे से देख रही है, ऊपर नीचे से देख रही है, क्यों देख रही है, वो मैडम को देख रही है, मैडम का खून निकलना तो शुरू हो रहा है, थोड़ी देर के बाद मैडम गिरती है, राम राम सत्य होने वाला है, मुझे अपना राम राम सत्य नहीं कराना है। मैडम बच्ची के पास जाती है और बोलती है बेटा आज ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया, आज आप इतने शांत कैसे? तो बच्ची कहती है मैडम मैंने एक सर का प्रोग्राम अटेंड किया, उसमें बताया गया है कि एंगर करने से खून निकलता है और आगे चल के डेथ हो जाती है, इसलिए एंगर के आगे डी लगाएंगे तो डेंजर होता है, बहुत खतरनाक है। तो मैडम का एटीट्यूड चेंज, बेटा होमवर्क करके नहीं लाया कोई बात नहीं, अपना स्कूल आया करो, कोई प्रॉब्लम है ना तो मैं आपके घर में आकर पढ़ा दूंगी, एटीट्यूड चेंज। अब आप बताइए कोई व्यक्ति यदि गड्ढे में गिरे तो आप उसको और गिराएंगे या उठाएंगे, गिराएंगे या उठाएंगे? तो एंगर कर रहा है तो वो खुद का नुकसान कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताइए। जो व्यक्ति एंगर कर रहा है उसको क्या होने की संभावना है, जोर से बोलिए, कैंसर हो सकता है, उसको कैंसर हो सकता है। तो आप उस व्यक्ति के प्रति आपको अब दया की भावना आएगी या क्रोध की भावना आएगी, पक्का पक्का आएगी, दया की भावना आएगी। अच्छा आपका वो एंगर करने वाला व्यक्ति आपके घर का सदस्य हो, बहुत क्लोज मेंबर हो, तो क्या होगा, दया आएगी या क्रोध आएगा, दया आएगी। या तो आपको वहां से चले जाना है या तो मेडिटेशन का उपयोग करके उनको ठीक करना है। तो आज से हम सभी हाथ उठाइए, सभी हाथ उठाइए, प्रॉमिस करना है, बोलिए आज से हम
इस डायमंड हॉल में परमात्मा के समक्ष संकल्प लेते हैं कि हम अपने तरफ से जानबूझकर कभी भी एंगर नहीं करेंगे। यदि कोई करता भी है तो उसकी बात को अपने अंदर ना लिए उसकी बात को कैंसिल करना है और सिर्फ पॉजिटिव बात को अपने जीवन में धारण करना है। आज से मुझे एंगर नहीं करना है। ओके, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। सभी अपने घर में झाड़ू लगाते हैं ना, अभी तो वो सीख लिया आपने। अच्छा, कचरा कहां डालते हैं? कचरा कहां डालते हैं? पक्का डस्टबिन में डालते हैं। आजकल यदि दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं या समाज में लोग व्यक्ति आपस में मिलते हैं या टेलीविजन या समाचार में, सबसे पहले कौन सी न्यूज होती है? नेगेटिव और पॉजिटिव? बोलिए, नेगेटिव न्यूज होती है। अच्छा, कोई व्यक्ति आपको नेगेटिव सुना रहा है, भाई साहब एक मिनट आएंगे, भाई साहब आइए आइए। कोई व्यक्ति आपको नेगेटिव सुना रहा है, ठीक है, आपको कोई व्यक्ति नेगेटिव सुना रहा है, ठीक है ना, तो वो बात नेगेटिव बात अमृत है या कचरा है? कचरा है, कचरा, ठीक है ना। यदि आप उस चीज को लेते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? कचरा ही बन जाएंगे हम। नहीं, कचरा किसके अंदर डाला जाता है? डस्टबिन के। तो हम क्या बन जाएंगे? डस्टबिन बन जाएंगे। तो भाई साहब तो राजयोग का अभ्यास करते हैं, वो तो डस्टबिन कभी बनेंगे ही नहीं, उनको पता है कैसे उस कचरे को दूर करना है। थैंक यू। सो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कचरे को दूर करना है। अभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति आया और आपको क्या कर लिया है, नेगेटिव बात सुनाते जा रहा है और आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, पर वो क्या कर रहा है, नगर पालिका का सारा जो कूड़ा है ना, सारा करकट जो भी गंदगी है वो आपके ऊपर ट्रांसफर कर रहा है। और आप कह रहे हैं अच्छा उस मोहल्ले का क्या हुआ, ये तो हो गया, उसका क्या हुआ, दूसरा ट्रक भी आया वो भी लोड कर दिया। अब जब इतनी नेगेटिविटी आएगी आपके अंदर, तो पॉजिटिविटी आ सकती है, सकारात्मकता आ सकती है। आज अब जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो वो कचरा वाली बात याद में आएगी या पॉजिटिव बात याद में आएगी? नेगेटिव बात पहले आएगी, ठीक है ना। तो क्या करना है, जो व्यक्ति हमें ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव बातें ट्रांसफर करते हैं तो उनको वो आते हैं तो उनको पहले ही कहना है कैंसल कैंसल, आज के बाद उन लोगों से या तो संपर्क नहीं रखना है या तो उनकी बातों को सुनना नहीं है, पक्का। नहीं तो क्या होगा, जो नेगेटिव थॉट उन्होंने डाला वो बीमारी, निश्चित तौर पर हमारे जीवन में बीमारी आएगी और फिर हम कितना भी इलाज कराएं, वो माइंड में बीमारी आई तो प्रैक्टिकल जीवन में बीमारी आएगी, ठीक है। अब अपने हाथों को सामने करिए, राइट हैंड को सामने करेंगे, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नीचे, आंखों को बंद कर लीजिए, राइट हैंड सामने लेफ्ट हैंड नीचे, आंखों को बंद कर लीजिए। और आपके जीवन में जो भी तनाव है, डिप्रेशन है, जो भी आपके जीवन में बोझ है, जो मुसीबत है, जो भी ऐसी बात है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जो किसी को बोलते नहीं है, पर अंदर ही अंदर आपके मन में वो बात आपको दबाते रहती है, आपको प्रेशराइज करते रहती है, तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं विजुलाइज करिए और उनको गठरियों के रूप में, एक बोझ के रूप में अपने राइट हैंड पर रखते जाइए। अपने राइट हैंड पर रखते जाइए, कौन कौन सी बातें हैं, एक एक गठरियां अपने राइट हैंड पर रखते जाइए, कौन कौन सी जो भी बातें हैं बोझ के रूप में अपने राइट हैंड पर रखते जाएं। देखिए धीरे धीरे आपका हाथ भारी हो रहा है, आपका हाथ भारी हो रहा है। आपका हाथ भारी हो रहा है, सारा बोझ, देखिए पूरा बोझ विजुलाइज करिए, कल्पना कीजिए कि आप बहुत सारा बोझ जो भी जिंदगी का आपने मन में बोझ रखा था वो सारा निकालकर आपने हाथ में रख दिया है, आपका हाथ भारी हो चुका है, 10 किलो का आपका हाथ हो चुका है। यदि इस हाथ को आप, इस बोझ को आप 1 घंटे तक पकड़े रहेंगे तो क्या होगा, जवाब देना है, क्या होगा, क्या होगा? आज आपको इसे आधा घंटे तक पकड़े रहना है, क्या होगा? हाथ में पैरालिसिस का अटैक आ सकता है, ठीक है, हाथ जाम हो सकता है। अब आप खुद सोचिए, हाथ को लंबा करना, नीचे नहीं करना कोई भी, अब आप सोचिए
कितने दिनों से आपने बोझ को मन में रखा है, आपके मन में दबा कर रखा है, मन में संजो कर रखा है? मन को बोझ नहीं होता होगा? यस और नो? होता है। तो मन को दर्द नहीं होता है? हाथ में दर्द हो रहा है आपको? अब जब हाथ में दर्द हो रहा है तो मन में दर्द होता होगा कि नहीं होता होगा? बट आपका मन, आप अपने मन की भाषा को, आपके मन की लैंग्वेज को समझते नहीं है, इसलिए उस दर्द को अभी तक आप अंदर ही अंदर उसको सजो कर रखे हैं आपने। तो उसको क्या करना है, नेगेटिविटी को आपको दूर करना है। दो चॉइस है, या तो ऐसे ही उसे सदा पकड़े रहिए, ऐसे ही बोझिल जिंदगी जीते रहिए, या तो उस दर्द को परमात्मा के सामने आज दे देना है, सब सौंप देना है। क्या करेंगे? देंगे परमात्मा को, सौंप देंगे। ओके, अभी दोनों हाथों को सामने करें और आंखों को बंद करेंगे, रेड लाइट ऑन करेंगे। दोनों हाथों को सामने कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। अभी यहां पर सॉन्ग प्ले होगा, इसमें आपको विजुलाइज करना है कि जो भी बोझ है, जो भी दर्द है, वो सब आप परमात्मा को दे रहे हैं। जो भी बोझ है, जो भी दर्द है, एक एक कर आप परमात्मा को दे रहे हैं। सारी नेगेटिविटी आपकी दूर जा रही है, सब सौंपते जाए परमात्मा को। सब सौंपते जाएं, हाथों को नीचे कर लें, नीचे पोर्शन में। सॉन्ग चालू करेंगे, साउंड चालू करेंगे। हाथों को नीचे करके अनुभव करें, आप सब बोझ एक एक कर परमात्मा को दे रहे हैं। सब देते जाएं, कुछ भी अपने पास नहीं रखना है। परमात्मा कहते हैं, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, सब चिंता मुझे सौंप दो, सब टेंशन मुझे सौंप दो। ऑन करेंगे, सब कुछ परमात्मा को सौंपते जाएं।
सब दे दें परमात्मा को, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार की बात है, जब भी अब ऐसी कभी मुसीबत, जब भी कभी नेगेटिव थॉट आए तो परमात्मा को आप सौंपते जाएं। सेशन थोड़ा लेट शुरू हुआ था इसलिए थोड़ा 10 मिनट और चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। सो एक बार क्या हुआ, एक रेस हुई, मेंढक की रेस हुई, दुनिया से सारे मेंढक आए, बड़े बड़े धुरंधर मेंढक आए। तो उसमें एक था कि जो गोल्डन ऊपर जाएगा, माउंटेन की शिखर पर जाएगा, उसको एक गोल्डन कप मिलेगा। तो जैसे जैसे मेंढक दौड़ते जाते थे अपनी शिखर, उस शिखर तक पहुंचने के लिए जो जर्नी है उसमें आगे बढ़ते जाते थे, तो कई मेंढक कहते थे कि आगे मत जाओ, बहुत तूफान है, बहुत बर्फबारी है, कटीली चोटियां हैं, आप नहीं चढ़ पाएंगे, आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो जो उनकी बात को सुनता था वही गिर जाता था। पर एक युवा मेंढक बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और अंत में उसने सफलता के शिखर को चूम लिया। उसके इंटरव्यू में पूछा गया कि इतने बड़े बड़े दिग्गज, इतने बड़े बड़े अनुभवी लोग फेल हो गए और आपने कैसे सफलता को पाया, क्या कहा होगा उसने, क्या कहा उसका क्या सीक्रेट है? वो मेंढक बहरा था, उसको कुछ सुनाई नहीं दिया, लोगों ने नेगेटिविटी कहा, नेगेटिव कहा, आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर सकते, बट उसने सुना ही नहीं। जब उसके कान, वो बहरा था तो वो सुनेगा कैसे? तो वो सफलता के शिखर में पहुंच गया। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, बहरा तो नहीं बट नेगेटिव को नहीं सुनना है, नहीं तो आप बोलेंगे भाई साहब ने क्या बता दिया। ठीक है, नेगेटिव को सुनना नहीं है। ठीक है, अभी आप ध्यान से सुनिए, जब आपको कोई कहे नेगेटिव सेंटेंस तो मन में कमांड देना है कैंसल कैंसल। क्या कमांड देंगे? ठीक है, आपको कोई पॉजिटिव, फिजिकली आपको कोई हर्ट कर सकता है बट कोई मेंटली आपको हर्ट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है? भाई साहब मेंटली आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है? आपको कोई, मैं आपको गुस्सा दिला सकता हूं, दिला सकता हूं, मैं आपको दुख दे सकता हूं? दुख कौन देता है? यदि आपने, मैंने जो कहा उस चीज को आपने रिसीव कर लिया और इंटरप्रेट किया, तब आप खुद दुखी हो सकते हैं। बट आपका मन इतना शक्तिशाली है, आप खुद के अंदर, आपके अंदर इतनी कमांड है कि आप दुखी हो या सुखी हो वो आपके ऊपर है। ठीक है ना, तो आप कभी भी कोई नेगेटिव कहे तो क्या कमांड देना है, कैंसल कैंसल। एक बहुत अच्छी बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं और उसको आप प्रैक्टिकल में अपने जीवन में यूज करिएगा। हमारे अंदर तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। हमारा जो मन है वो काम करता है एक अलादीन के जैसा, हमारी जो बुद्धि काम करती है एक चिराग के जैसा, और हमारा जो संस्कार है वो काम करता है एक जिन के जैसा। सपोज मेरे पास एक चिराग है, मेरे पास एक चिराग है, और एक मैं चिराग को रगड़ता हूं, यहां पर एक जिन प्रकट होगा। जिन सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करेगा, बोलिए, जिन कौन सा क्वेश्चन करेगा,